to इसलिए रोमी अध्याय सात में कहता है हम पढ़ते हैं उसने कहा दस आज्ञाओं में जब तक मैंने नहीं पढ़ा लालच न करना मुझे पता नहीं था कि मुझ में लालच है दूसरे शब्दों में कह रहा था जब तक मैंने दसवीं आज्ञा नहीं पढ़ी मैंने नहीं जाना कि मैं पापी हूं दसवीं आज्ञा ही चाबी है इन सारी दस आज्ञाओं के लिए अगर आप ने नौ पढ़ी है तो भी नहीं समझे हैं अगर आप दसवीं समझे तो आप इसे समझ पाएंगे आप समझ पाएंगे कि आप में सामर्थ्य जो आप पर अधिकार करती है वो चाहती कि आप कुछ करें और आपने इसे केवल इसीलिए नहीं किया क्योंकि सामाजिक बंधन वहां पर थे जो आपके आसपास थे शायद आपका परिवार अच्छा परिवार है आप अच्छे लोगों में बढ़े हैं, अच्छी संगति में हैं, लोग आपको देखते रहते हैं और आपकी मां आपके साथ रहती है और आपके पापा आपको देखते रहते हैं और वो आपको स्कूल में छोड़ते और सुरक्षित वापस लाते हैं क्यों हाँ? क्योंकि रास्ते में आपका ध्यान भटक जाएगा देखिए वो चिंता करते हैं वो आप पर निगरानी रखते हैं क्यों क्योंकि हर मनुष्य में बुराई है उसे बढ़ाना नहीं है उसकी परवरिश नहीं करनी है दस आगे इसी के बारे में है ये प्रकट करती है कि मनुष्य में क्या है इसलिए सुसमाचार प्रचार में मैं गौर नहीं करता जानते हैं लोगों को ये बताने में कि तुम शराबी हो नहीं मैं इसे प्रचार नहीं करता मैं मनुष्य के अंदर के पाप के बारे में प्रचार करता हूँ मैं इन जिज्ञासाओं के बारे में प्रचार करता ये चीजें जो मनुष्य के अंदर हैं अधिकार करती है ये चीजें जो हर मनुष्य महसूस करता अपने अंदर अपने अंदर इन्हें महसूस करता इनके लिए असमर्थ महसूस करता है अपने भीतर वो महसूस करता है कि वो किसी भी समय फिसल सकता है वो सोचता है कि थामे रहना बहुत मुश्किल बात है और जिस तरह से वो चल रहा है उसमें चलना बहुत ही मुश्किल है महसूस करता है कि अच्छे से रहना बहुत मुश्किल है हर मनुष्य जानता है सब मनुष्य जानता है कि ये इच्छा उस पर राज्य अधिकार करती है कभी न कभी हर समय नहीं लेकिन कभी न कभी ये वो जानता है और इसे महसूस करता है और यही तो पाप है अब प्रेरित इसके बारे में कहता है देखिए पुरानी वाचा इसी तरह से है व्यवस्था या दस आज्ञा इसलिए दी गई ताकि हम जाने कि पाप है एक बार मनुष्य जान लेके ठीक है जो आज्ञाएं कहती मैं नहीं कर सकता तो फिर क्या करता है पुरानी वाचा का एक और पहलू था पुराने नियम में दो बातें थी पुराने नियम में दो बातें थी एक थी व्यवस्था दस आज्ञाएं और दूसरा बलिदान ये दो क्यों व्यवस्था दोष लगाती थी व्यवस्था बताती थी कि वो पापी है व्यवस्था बताती थी कि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है तो क्या करे अब उससे निपटना होगा इसलिए इसलिए बलिदान है तो वो आता है क्योंकि वह व्यवस्था के अनुसार नहीं रह सकता है बलिदान की जरूरत थी कि अपने पापों से शुद्ध हो सके और ये सब इसलिए भाग पढ़ूंगा सच में कुछ साल पहले चलिए इसे पढ़ते हैं ये दिलचस्प है पहले वचन सात पढ़ता हूं ये कहता है तो हम क्या कहे क्या व्यवस्था पाप है कदापि नहीं वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत करना तो मैं लालच को न जानता वो कहता है कि जब व्यवस्था ने कहा कि तू लालच न करना तब मुझे पता चला कि मुझ में लालच है और फिर वचन पंद्रह जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता परंतु जिससे घृणा आती है वही करता हूं चलिए स्पष्ट देखते हैं वो कहता है कि जो मैं करना चाहता वो नहीं करता और जो नहीं करना चाहता वही करता हूं ठीक है मुझे लगता है कि मेरी भाषा में मुझे बाइबल लिखनी चाहिए ये इसे बहुत ही सरल बनाती है और ये ये सही में इसी तरह होनी चाहिए यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरण पाप है जो मुझ में बसा हुआ है हाँ देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है क्योंकि ये कहता है मैं जो भी कर रहा हूं वो मैं नहीं करता हूं मेरे अंदर का पाप है जो वो ये करवाता है हेलो पापी जो करते हैं वो क्यों करते हैं उनके अंदर का पाप है जो ये करवाता है वो कहता एक सामर्थ है जो मुझ में बड़ी है वो मुझ में रहती है इस सामर्थ को पाप कहते हैं और जो मैं करता हूं उसी के कारण करता हूं जो मैं नहीं करना चाहता उसे करता हूं क्योंकि मुझ में पाप है अब ये मैं नहीं लेकिन मुझ में पाप है वो मुझसे करवाता है ये वही प्रेरित पॉलू से जो बाद में गलती हो दो बीस में कहता है अब मैं नहीं लेकिन मसी मुझ में जीवित है अब मैं जीवन जो जीता हूं वो परमेश्वर के पुत्र में विश्वास के द्वारा जीता हूं जिसने मरकर खुद को मेरे लिए दे दिया हेलो ये इसका विरोधी शब्द है जब वो पापी था तो कहता ये मैं नहीं ये पाप है जो ऐसे करवाता है जब वो विश्वासी बना तो कहता ये अब मैं नहीं लेकिन मसी मुझ में जीवित है देखिए क्या फर्क है पापी जीवन में और मसी जीवन में पाप में जीवन पाप में जीवन यानी मसीह के पहले पाप आप पर राज्य करता था और मसीह में यानी मसीह जो सबसे महान है वो आपके भीतर से आप पर राज करता है और आप ये करते हैं क्योंकि यीशु आपके द्वारा इसे इसे करवाता है सुनिए वचन अठारा क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे नहीं बन पड़ते देखियो कहता मैं इच्छा वाला व्यक्ति हूं मैं निश्चित कर सकता सोचकर मूल्यांकन कर सकता निर्णय ले सकता लेकिन जो करना चाहता हूं उसे करने की मुझ में शक्ति नहीं है <laughs> मैं जो चाहता हूं उसे करने की मुझ में शक्ति नहीं है है फिर वो कहता है कि मैं जो भला करना चाहता हूं वचन क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो नहीं करता परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है मैं सरल शब्दों में बताऊं कि मैं पाता हूं कि पाप वहां पर है मेरे अंदर पाप की व्यवस्था काम करती है मेरे अंदर पाप की व्यवस्था काम करती है जैसे गुरुत्वाकर्षण की व्यवस्था काम करती है निश्चित सब कुछ नीचे खींचती है एक व्यवस्था है पाप की व्यवस्था जो मुझे नीचे खींचती है वो मुझे खींचती है नीचे खींचती है जो मुझे नाश करना चाहती है मेरे अंदर एक व्यवस्था है और वो कहता मैंने उसे पाया है कि जब मैं भला करना चाहूं तो भी बुराई मेरे साथ रहती है वो हमेशा होती है मुझे सावधान रहना पड़ता है कहता है क्योंकि मैं मनुष्यत्व से से तो परमेश्वर की व्यवस्था बहुत प्रसन्न रहता हूं परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है वो पाप की व्यवस्था के बारे में कह रहा है यानी गुरुत्वाकर्षण जैसे वो मुझे खींचती है ये नहीं हो सकता कि गुरुत्वाकर्षण में आकर नीचे न खींचे जाए वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव में रहता हूं इस पाप की व्यवस्था में पाप की व्यवस्था में रहता हूं मैं हमेशा यह महसूस करता हूं कि जो मैं करना चाहता हूं उसे नहीं कर सकता हमेशा गुरुत्वाकर्षण के जैसे खिंचाव होता है जो सही नहीं है जो अच्छा नहीं है उसे करने के लिए खिंचता जाता क्या आपने कभी महसूस किया हर जवान को ऐसे महसूस होता है हर जवान व्यक्ति को अक्सर पहली बार ऐसे महसूस होता है जब वो छोटा होता है तब ये महसूस नहीं कर पाता जब वो बड़ा होकर जवान होता है तो इसे गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को महसूस कर सकता है कई बार महसूस करता है कि कि वो 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 इससे इससे बाहर 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 नहीं आ आ आ सकता 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 और आसपास देखकर कहता है हूं हूं क्या कैसे बाहर आ सकता हूं? पहली बार वो अपने इस पाप को और इस पाप की सामर्थ को जानता है जो उसमें होती है हर समय जानते हैं मुझे पता नहीं कि आप जानते हैं कि जैसे आप बड़े होकर नौजवान होते हैं और ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं और खुद को समझने लगते हैं आप हमेशा महसूस करते हैं आप हमेशा महसूस करते हैं कि सामर्थ है अजीब सामर्थ है, जो आपके अंदर अंदर से आपको खींचती है बुरी और गलत बातों की ओर मैं कहूं वही तो पाप है वो पाप की व्यवस्था है हेलो आज सब लोग शांत हैं? हम गंभीर बात पर चर्चा कर रहे हैं कुछ लोग कहते हैं आपको ये सब कुछ कैसे पता पास्टर <laughs> ये मुझ पर स्वर्ग से प्रकट हुआ है <laughs> नहीं मैंने महसूस किया है निश्चित आपने महसूस किया है सब लोग जब आप छोटे हैं तो आप मासूमियत में बढ़ते हैं आप में ये पाप में यानी पाप में महसूसीकरण नहीं होते हैं ये पाप में महसूसीकरण नहीं होते हैं लेकिन खास उम्र में पहुंचते ही अचानक आप महसूस करते हैं गलत बातों के लिए खिंचाव होता है ये पहले से था लेकिन अब आप उसे जानने लगे हैं अब आप इस पाप के ज्ञान में आ रहे हैं उस पाप के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव में आ रहे हैं पॉलूस इसी के बारे में कहता है उसने कहा मैं धार्मिक व्यक्ति रहा हूं हमेशा अच्छा करना चाहता था हमेशा अच्छा रहना चाहता था कि मैं अच्छा ही करूंगा लेकिन बात यह है जो अच्छा है उसे करने के लिए मुझ में सामर्थ नहीं है मुझ में सामर्थ नहीं है क्योंकि मुझ में एक बड़ी सामर्थ है जो गलत बातों की ओर खींचती है जो मैं करना चाहता उसे नहीं कर सकता वो कहता है और फिर वो कहता है वचन चौबीस में ओ मैं कितना अभागा मनुष्य हूं <laughs> अब बहुत से लोग इस वचन को लेकर खुद को अभागा कहते हैं वो कहते हैं जैसे ने कहा भाई जब भी प्रार्थना करता हूं मैं मैं कहता हूं हूं कितना अभागा नहीं 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 अगर आप विश्वासी है तो इसे समझ ले अब यहां पॉलुस पाप के बारे में पवित्र आत्मा की कायलता में आया है परमेश्वर ने व्यवस्था का उपयोग किया इस व्यक्ति ने व्यवस्था का अध्ययन किया वो व्यवस्था में माहिर था और वो सच में वो सच में व्यवस्था सारी बातों को समझ गया था और अब पवित्र आत्मा के द्वारा वो यहां पाप के लिए कायल किया गया और वो कहता है कि देखो मैं कितना अभागा मनुष्य हूं वो कहता है कि मैं किस दशा में हूं मैं यहां इतना पढ़ा लिखा हूं इतनी पढ़ाई की है मैंने इतनी कमाई की है इस संसार में मैं इतना सामर्थ्य हूं फिर भी मेरे अंदर इस सामर्थ्य मैं जय नहीं पा सकता हेलो आप संसार में सबसे बड़े अधिकारी हो आप संसार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होगे आप संसार में सबसे ऊंचे स्तर पर के अधिकारी हो सकते हैं जानते हैं आप बहुत ही सामर्थ्य हो कि संसार को पलटा दे और सारा देश फेर दे और शहर फिर जाए अगर आप में इतनी सामर्थ्य और प्रभाव है आप इतने बड़े हैं फिर भी आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर आपसे भी बड़ा कुछ है आप महसूस करेंगे कि मैं दुनिया बदल सकता हूं लेकिन खुद को बुराई से भलाई में नहीं ला सकता देखिए यही बात है जिसके बारे में पॉलिस कहता है वो कहता है, मैं पढ़ा लिखा हूं मैं धर्मी हूं भला व्यक्ति हूं मैं जाकर चोरी नहीं करता लोगों को नहीं मारता मैं ये सब कुछ नहीं करता लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि मेरे अंदर एक शक्ति है एक बुरी शक्ति है जो मुझ पर अधिकार करती है मुझे गलत दिशा में खींचती है वो कहता मैं कितना अभागा मनुष्य हूं वो परेशान होकर ये पुकारता है कहता है मैं कितना अभागा मनुष्य हूं कौन मुझे इस मरणहार शरीर से छुड़ाएगा वो कहता है क्या इससे कोई छुटकारा है मैं इसे महसूस कर रहा हूं क्या इससे कोई छुटकारा है वो कहता है क्या कोई छुटकारा है अगले वचन में बताता है कि छुटकारा क्या है वो कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो <laughs> यही छुटकारा है एक पल वो कहता है कि वो मैं कितना भागा मनुष्य हूं मुझे कौन छुड़ाएगा अगले वचन में वो कहता है वो मुझे जवाब मिल गया मैं बताता हूं मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं हमारे उद्धारक प्रभु यीशु के द्वारा वो जवाब है वो जवाब है देखिए ये असली सुसमाचार है देखिए यानी पुराने नियम में हमेशा पाप की कायलता थी हमेशा लोग पाप के बारे में कायल होते थे हमेशा वो दोष भावना महसूस करते थे पाप की सचेतता हमेशा होती थी अब मेरे साथ निकाले इब्रानियो अध्याय दस इब्रानियो अध्याय दस अद्भुत वचन है मैं इस बड़े भाग को पढ़ूंगा और इससे आगे समझाऊंगा इब्रानियो दस अध्याय एक क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उसमें असली स्वरूप नहीं है मतलब व्यवस्था वास्तविक नहीं है पुरानी वाचा के बारे में कहता है कि वास्तविकता नहीं है यह छाया है इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती व्यवस्था यानी पुराने नियम और उसकी प्रणाली में लोग सिद्ध नहीं किए गए हैं उस प्रणाली में क्योंकि ये तो केवल छाया के रूप में लोगों को सिखाती थी उस असली के बारे में जो आने वाला था असली तो यीशु मसीह था जो बकरे और बैल बलिदान होते थे वो छाया थे पुराना नियम तो बस छाया है लेकिन नया नियम तो वास्तविकता है उस छाया की छाया तो लोगों को वास्तविकता के बारे में सिखाती थी ठीक है और देखिए छाया तो लोगों को सिद्ध नहीं बना सकती थी मतलब छाया मेरे पापों को शुद्ध नहीं कर सकती थी बकरे और बैल का लहू मेरे पापों को नहीं धो सकता था मैं पुराने नियम में शुद्ध नहीं हो सकता था इसने केवल मुझे बताया कि पाप कैसे शुद्ध हो सकते हैं मुझे यीशु की राह देखनी थी कि मेरे पाप शुद्ध किए जाएं जब यीशु ने कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया ये काफी था कि पापों को शुद्ध कर दे केवल उसकी पीढ़ी ही के नहीं और उसके बाद की पीढ़ी के लिए लेकिन लेकिन यह जरूरी था कि आदम से सारी पीढ़ी के पाप शुद्ध कर दे आदम से लेकर अंतिम मनुष्य तक हर मनुष्य के पाप यीशु मसीह के क्रूज के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए यानी पुराने नियम में मनुष्य के पाप शुद्ध नहीं किए गए लेकिन वो केवल छाया थी ये स्तर है हम देखते हैं कि बच्चे छोटी छोटी गुड़िया लेकर घर घर खेलते हैं आपने देखा है एक माँ होती है एक पिताजी होते हैं और चार पांच बच्चे होते हैं सब एक साथ होते हैं और माँ कहती है मैं खाना पकाऊंगी और उसके पास पकाने के लिए क्या है ये छोटे छोटे खिलौने होते हैं वो कहती है कि चावल और दाल मैं बना रही हूँ वो कहती है कि मैं मटन करी बना रही हूँ फिश फ्राई और ये सब उन्हें खेलते देखना बहुत अच्छा लगता है वो बातें करते हैं कि कैसे खाना पकाया लेकिन कोई भी उनसे यह नहीं कहता कि तुमने पहले खा लिया है तो अब हम खाना खाने जा रहे हैं तुमने पहले लंच कर लिया है तो अब मत खाना नहीं नहीं आप कहते हैं खेलना बहुत हो गया अब आकर खाना खा लो उन्होंने जो खाना पकाया उसके बारे में क्या वो केवल एक खेल था ड्रामा था वो असली खाना नहीं था वो पेट नहीं भर सकता था बिल्कुल छाया जैसे वह असली चीज की छाया थी असली चीज तो वो है जो मां पका रही है किचन के अंदर असली पकवान केवल वही आपका पेट भरेगा यह तो केवल असली की छाया है यानी पुराना नियम तो छुटकारे की कहानी का नाटक था छुटकारा कैसे आएगा इसका पुराने नियम में नाटकीय रूप था वचन कहता है, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता देखिए अगर ये लोगों को सिद्ध बनाता अगर उनके पाप मिटा देता तो भेद चढ़ाना बंद हो जाता इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो उनका विवेक उन्हें पापी नहीं ठहराता इस्लम पाप की सचेतता के बारे में कह रहे हैं देखिए अगर उनके पाप पुरानी वाचा में धो दिए गए होते तो उनमें पाप की सचेतता नहीं होती अगर सच में शुद्ध होते तो लेकिन वहां उनकी दशा क्या थी वचन तीन परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता था पुरानी वाचा का स्वभाव देखिए पुरानी वाचा में पुराने नियम में यह इस तरह था परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता था सारा जीवन हर साल और सच में प्रतिदिन पाप को याद दिलाया जाता था बहुत से लोग सुबह बलिदान चढ़ाते थे शाम को बलिदान चढ़ाते थे हर तरह के बलिदान अयुब सुबह और शाम बलिदान चढ़ाता था क्योंकि वो डरता था कि उसके किसी बेटे ने पाप किया हो या बेटी ने पाप किया हो कोई दंड आ जाएगा क्योंकि पाप की सचेतता हमेशा वहां पर थी वो कभी निश्चित नहीं हो सकते थे कि उनके पाप चले गए यही पुरानी वाचा का चरित्र था वो उनके पाप मिटा नहीं सकती थी इसलिए हमेशा पाप को याद दिलाया जाता था उन्हें हमेशा याद दिलाया जाता था कि वो पापी हैं, तो वो बार बार बलिदान चढ़ाती थी, अब इसे सुनिए, क्योंकि यह अनहोना था कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे वो पापों को दूर करे इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है इसलिए जब यीशु इस संसार में आया उसने कहा बलिदान और भेद तू ने न चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की है इसका क्या अर्थ है यह कहता है कि जब यीशु इस संसार में आया इसीलिए उसने कहा प्रभु तुझे बलिदान पसंद नहीं तो उसने बलिदान क्यों दिए यीशु इस संसार में कहते हुए आया कि प्रभु मुझे पता है तुझे बलिदान नहीं चाहिए तो परमेश्वर ने लोगों को बकरे और बैल मारने के लिए क्यों कहा यह इसलिए क्योंकि वो असली का नाटक दिखाना चाहता था यह किसी के पाप नहीं धो सकता था उसे लोगों के बकरे और बैलों का बलिदान पसंद नहीं था लेकिन यह एक नाटक था कि यीशु उनके पाप कैसे उठाएगा और परमेश्वर का मेम न बनकर संसार के पाप उठा लेगा ठीक है अब इसे सुनिए इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तू नहीं चाहिए मतलब तुझे नहीं चाहिए पर मेरे लिए एक देह तैयार की है मैं असली बलिदान हूं वो कहता है तुझे बकरे और बैल नहीं चाहिए लेकिन तूने मुझे एक देह क्यों ताकि इस देह पर कोड़े लगे इस देह को भेदा जाए ताकि ये शरीर लहू बहाए ताकि ये शरीर मर जाए ताकि ये संसार के पापों के लिए दुख उठाए तूने मेरे लिए देह तैयार की है मैं असली बलिदान हूँ तू बकरे और बैलों में दिलचस्पी नहीं लेता ये मैं हूं मैं परमेश्वर का मेमना हूं जो जगत के पाप उठाए जाता हूं अब इसे सुनिए होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता है यानी परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं था फिर भी ये पुरानी वाचा में हो रहा था क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम इसे करते रहो क्योंकि वो चाहता था कि उद्धार कैसे होगा इसका चित्र उनके सामने बना रहे फिर इसे देखिए वचन साध फिर मैंने कहा यानी यीशु फिर से कहता है तब मैंने कहा देख मैं आया हूं पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि है तो बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाह और न उससे प्रसन्न हुआ यद्यपि ये ये के अनुसार थे फिर ये भी कहता है देख मैं आया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं अतः वो पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे वो कहता है कि वो छाया को दूर करना चाहता है और असली को स्थापित करने है, आया है वो इसलिए आया है वचन दस उसी इच्छा से उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह में एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं एक ही बार हेलो उसकी इच्छा के द्वारा यानी परमेश्वर की इच्छा के द्वारा जिसने यीशु को संसार में बलिदान के रूप में भेजा उस इच्छा से हम शुद्ध किए गए हैं सब लोग कह शुद्ध किए गए हैं आज चर्च में यही समस्या है वो नहीं जानते कि वो शुद्ध किए गए हैं या नहीं वो शुद्ध होने की कोशिश करते हैं शुद्ध होने की कोशिश कर रहे हैं शुद्ध होने का उनका तरीका मेरे लिए अजीब है जिस तरह वो शुद्ध होने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्वासियों से कहते तुम अच्छे नहीं तुम पापी हो तुम बेकार हो और तुम वो सारे काम करते हो जो प्रभु को प्रसन्न नहीं करते हैं तुम शुद्ध हो जाओ और आशा करते हैं कि लोग शुद्ध हो जाएंगे क्योंकि वो हमेशा उन पर चिल्लाते रहते हैं उनके पाप के बारे में बताते हैं हाँ। लेकिन जानते वास्तव में क्या होता है जब लोगों को बताते कि आप पापी है बेकार है तुम शुद्ध नहीं हो तुम्हें शुद्ध होना होगा तो क्या होता है जब वो बाहर जाते हैं तो कहते हैं ठीक है देखिए मैं बेकार पापी हूं तो मैं जाकर पाप करता हूं क्योंकि पहले ही पापी हूं हम शुद्धिकरण के बारे में कल देखेंगे इस पाप में थोड़ा बने रहते हैं <laughs> लेकिन जब वो चर्च में आते हैं और आप उनसे कहते हैं कि आप शुद्ध हैं आप मेमने के लहू से धोए गए हैं सदा के लिए तुम्हारे पाप धो दिए गए हैं तुम शुद्ध हो यीशु के लहू से धोए गए हो जब आप ये बताते हैं और जब वो बाहर जाते हैं वो पाप करने के पहले ये उनके मन में आता है कि मैं तो शुद्ध हूं तो मेरा इस बुराई से क्या संबंध है मेरा पाप से क्या संबंध है मैं पाप करना नहीं चाहता क्योंकि मैं शुद्ध हूं इसलिए मैं लूंगी और सूट के बारे में हमेशा बताता हूं देखिए जब आप कहते हैं कि शुद्धिकरण की जरूरत है आप अच्छे नहीं हैं, आप पापी हैं आप ऐसे हूं हूं जानते हैं और आप उन पर लूंगी डालते हैं जैसे मानो वो वहां आते हैं और आप उन्हें लुंगी पहनाते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है चलो रास्ते के किनारे बैठते हैं इस चाय की दुकान से चाय पीते हैं और फिर शराब की दुकान आई तो वहां रुकते हैं अगला स्टॉपिंग पॉइंट क्योंकि प्रचारक ने कहा तुम बेकार हो अयोग्य हो पापी हो वो पापी जैसे महसूस करते हैं और फिर पापी का, का काम करना उनके लिए बहुत आसान होता है क्योंकि वो पापी हैं उन्हें पापी जैसे लगता है उनके मन में वो पापी हैं उनके लिए वो पापी हैं वो खुद को पापी देखते हैं इसलिए उनके लिए पाप करना आसान होता है लेकिन जब वो चर्च में आते हैं शायद वो लुंगी पहनकर आए और आप उसे निकाल कर सूट पहनाते हैं जो धार्मिकता है जब आप उन्हें सम्मान का वस्त्र पहनाते हैं जब आप उन्हें बताते हैं कि वो मसीह में कौन है जब आप उन्हें बताते हैं कि वो शुद्ध किए गए धोकर शुद्ध हुए हैं एक बार यीशु के लहू के द्वारा प्रभु उनसे बहुत प्रेम करता है उसका बेटा उनके लिए मरा उन्हें शुद्ध करने और साफ करने और आप उन्हें बताते हैं कि वो योग्यता में चले तो जब वो बाहर जाए तो ऐसा कुछ करने से पहले वो दो बार सोचेंगे देखिए उन्हें डांटने से काम नहीं होता कोई इसे अभी समझ रहा है डांटना कभी काम नहीं करता आपको लगता है कि आपका बच्चा अच्छा हो जाएगा क्योंकि आप उसे हमेशा डांटते हैं नहीं अगर आप उसे हर समय सिखाए तो वह अच्छा हो जाएगा डांटने से नहीं हमेशा आप कहते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो तुम बेकार हो तुम कुछ नहीं कर सकोगे एक दिन रिक्शा चलाओगे आप उससे उड़ापुत्र पुत्र जैसा व्यवहार करते हैं लेकिन उड़ाव पुत्र के पिता ने उससे ऐसा नहीं किया लेकिन बहुत से विश्वासी उड़ाव पिता हैं, जो हमेशा अपने बच्चों के बारे में बुरा कहते हैं और वो अपेक्षा करते हैं कि बुरा कहने से वे बेहतर हो जाएंगे बुरा कहने से कभी कोई बेहतर नहीं होता समस्या यही कि अगर आपका बेटा आपकी बेटी कुछ गलत कर रहे हैं तो पहले से जानते हैं कि वो बुरे हैं हेलो इसलिए घर में आते हुए वो जानना चाहते हैं कि डैडी घर में है या नहीं है वो पिछले दरवाजे से आकर अपने कमरे में चले जाते हैं बाहर आना नहीं चाहते वो चाहते कि आप पहले खा ले फिर वो आकर खाएंगे क्यों क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया है वो कुछ कर रहे हैं वो पिता का सामना नहीं कर सकते क्योंकि पिता उन्हें भोजन देते हैं प्रेम करते हैं उनके लिए खर्चा करते हैं और उनके लिए सब कुछ करते हैं उन्हें बुरा लगता है भयानक लगता है कायल होते हैं वो दोष महसूस करते दोषी महसूस करते और आप आते हैं और बड़े पिता के रूप में कहते हैं मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो अब उसे अच्छा लगता है पिताजी को भी पता है कोई बात नहीं मुझे लगा उन्हें पता नहीं प्रभु का धन्यवाद अब छुटकारा मिला वो जानते हैं और परेशान भी नहीं है बस मुझे थोड़ा डांटेंगे ठीक है लगता है वो समझ गए लेकिन जब आप उसे लेकर बैठते हैं उसे बताते हैं तुम मेरे बेटे हो तुम अच्छी चीजों के लिए बुलाए गए हो इस संसार में अच्छी चीजों के लिए जन्मे हो तुम परमेश्वर की संतान हो प्रभु तुमसे प्रेम करता है तुम इन चीजों के लिए बहुत ही अच्छे हो अच्छी और ऊंची चीजों के लिए इन चीजों के लिए नहीं जब आप उसे सिखाना और बताना शुरू करते हैं तब आप उसे वो बता रहे हैं जो पहले से नहीं जानता <laughs> वो ये नहीं जानता वो सोचता है कि वो बेकार है योग्य है और सब उसे यही कहते हैं वो पहले से यही सोचता है और आप भी उसे वही बता रहे हैं और जब वो चर्च में आता है चर्च में जाता है तो पास्टर भी वही बताते हैं हमें ऐसे ज्योति और पवित्र आत्मा और, 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 और अभिषेक की और इन सब की और बिल्डिंग और एयर कंडीशन की कि लोगों को वहां लाकर ये बताएं कि वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं मेमने के लहू से धोए गए हैं शुद्ध है एक बार सदा के लिए

I love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. We're going to sing and commit ourselves to God. Sing after me. heart my soul my mind my strength. my heart my soul my mind my way I love you Lord my heart my soul my mind my way I love you Lord' of soul say one more time I will love you lord I love you lord of my heart of my soul with my mind with all my strength